26 अक्टूबर को पटना में बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई थी। कांग्रेस के कार्यक्रम में लालू यादव आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। एक हफ्ते के बाद लालू सीपीआई की रैली में शामिल हुए। पटना के मिलर स्कूल से नीतीश ने कह दिया कि आजकल इंडिया गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस चुनावों में व्यस्त है, ध्यान नहीं दे रही है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज करू कभी कोई चर्चा नहीं। जो गठबंधन इंडिया नाम से बना है, उसकी शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार ही थे। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की मुहिम की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसे नीतीश कुमार ने संबोधित किया था, जो नीतीश कुमार के घर हुई थी। पटना की एकता बेंगलुरु और मुंबई तक दिखी। नीतीश ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर मुंबई बैठक के बाद से कोई हलचल नहीं दिखी है। सीट शेयरिंग से लेकर नीतीश कुमार को इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाने जैसे ऐसे कई सवाल हैं, जिन पर इंडिया गठबंधन आगे अभी तक नहीं बढ़ पाया है। चौथी बैठक को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है, और अब लगता है कि चुनाव खत्म होने तक कुछ होने भी नहीं जा रहा है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज करू कभी कोई चर्चा नहीं। विधानसभा चुनावों के चलते इंडिया गठबंधन में दरार भी पड़ते पड़ते बची। पहले अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने, फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले में उम्मीदवार उतार दिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भले ना हुआ हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में ये सहमति लगभग बनी है कि एक सीट एक कैंडिडेट होगा। अखिलेश ने भी और नीतीश ने भी आम सहमति की ये रेखा लांघी। 19 अक्टूबर को मोतिहारी में नीतीश कुमार ने एक और बयान दिया था, जो चौंकाने वाला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर समेत बीजेपी के कई नेताओं की मौजूदगी में कह दिया कि उनकी और बीजेपी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। नीतीश खुद नेता है, पार्टी चलाते हैं और चुनावों की अहमियत भी समझते होंगे। ये भी समझते होंगे कि 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए कितने अहम हैं। वैसे भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस के साथ तभी जुड़ना शुरू हुई जब कांग्रेस ने अकेले हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी को हराया था। 5 राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस बीजेपी पर बहुत बेहतर करती दिख रही है। चुनावों के बाद कांग्रेस और मजबूत हुई, तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को भी मिलने वाला है।